का पलर्स में ही बहुत बड़ा इश्यू हो गया। इशू हो गया सर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, और कोविड के समय भी उन्होंने अच्छा काम किया, सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया, पार्टी ने बहुत अच्छा काम कोविड के दौरान काम किया, अच्छा काम किया सभी ने, ऐसा कोई बात नहीं है सर। येदियुरप्पा खुद बोला अगर हाईकमान मांगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला, वो तो सबको बोलना ही चाहिए कि पार्टी के हाईकमान पे ही सब सबका विश्वास रहता है, और हमारे यहाँ हाईकमान ऐसा है जिसपे सभी का, सभी राज्य के जो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता है, सभी का हाईकमान पे विश्वास है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी, और सभी केंद्र के जो हमारे नेतृत्व है उस पर, प्रदेश के जो नेतृत्व है उनका पूरा भरोसा है, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। हाईकमांड के सामने सीएम का रिजर्नेशन के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं, ऐसा मैं कहा गया येदियुरप्पा जी अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में, और मेहनत भी कर रहे हैं, और साथ में सब मंत्री और विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी ने कंटिन्यू होता है? हाँ बट कुछ MLA साइनिंग कैंपेन कर रहा है। नहीं नहीं, अगर किसी विधायक के मन में कुछ भी बात होगी, कुछ ग्रीवेंसेज होगी, तो मैं जा रहा हूँ उनसे बात सुन लूँगा भाई, उनको पार्टी के काम को और कर्नाटक के जनता की सेवा के लिए, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए काम करना चाहिए, जाके बात कर लूँगा। कोई तब लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग भी होगा क्या? अब वहाँ जाके के देखेंगे क्या क्या होता है सर। बहुत लोग पार्टी के अपोज और सीएम के अपोज स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्पेशली मिनिस्टर वाले ही दे रहे हैं, सीपी योगेश्वर डायरेक्ट ही बोल दिए थे। नहीं नहीं, देखिए इस प्रकार का स्टेटमेंट एक दो लोग देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे सार्वजनिक रूप से किसी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर किसी के मन में कोई बात होगी तो हम जाएंगे, मुझसे बात कर लेंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से पब्लिक में किसी भी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और जो दिए हैं उनसे जरूर बात करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है सर। ये तो चीज़ है, अभी चुनाव के वजह से मतलब पार्टी का संगठन में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, राज्य अध्यक्ष भी बदल हो सकता है, बोलो। देखिए रूमर, इस प्रकार के रूमर नहीं करने चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत अच्छा संगठन का काम हो रहा है, सारे गतिविधियाँ संगठन के जो पोलिटिकल एक्टिविटीज है बहुत अच्छी तरीके से जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और संगठन पूरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा का पूरा संगठन अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस दोनों अध्यक्ष ही नहीं है, अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर, ये सब काल्पनिक प्रश्न है दोनों। हाँ, दोनों काल्पनिक प्रश्न, इमेजिनरी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके।